हेलो गाइस, तो आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हमारे एक लोडर के सामने। लिगोंग का लोडर है 856H, लिगोंग की सबसे प्रीमियम मशीन में से एक। बेसिकली इंडिया में जितने भी लोडर हैं, जितने मशीन हैं, लोडर कैटेगरी में सबसे प्रीमियम लोडर माना जाता है। ये आप देख सकते हैं, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। 856H means 8 is the 8 denotes the series of loader and 56 is a 5.6 means ये 5 टन का लोडर है। जैसे आप देख सकते हैं साइज में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी प्रीमियम लुक भी देता है। तो ये मैं आपको इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ वॉक अराउंड के साथ साथ। जो इसकी बकेट आती है, इसमें जीपी बकेट आती है। जीपी बकेट मींस जनरल पर्पस बकेट, जिसमें हम ये नॉर्मल जैसे छोटी बजरी और रेत वगैरह ये सब कैरी कर सकते हैं। और इसकी बकेट आती है 3 मीटर क्यूब की बकेट जनरली, और इसका ऑपरेटिंग वेट है 17,100 किलोग्राम। और इसमें इंजन है हमारा कमिंस QSL 9.3, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। और इंजन की स्पेसिफिकेशन हैं 220 हॉर्स पावर एट द रेट 2200 RPM। ऑपरेटिंग वेट इसका 17,000 है और पेलोड कैपेसिटी है इसकी 5,400 किलोग्राम। बेसिकली व्हील लोड का काम होता है लोडिंग करना डंपर में या किसी और अपने गुड्स कैरियर में, जो भी है ऐसे रॉ मटेरियल को बकेट में भर के लोड करना। और ये व्हील माउंटेड मशीन है, तो इसलिए इसे व्हील लोडर कहा जाता है। और इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बनता है, क्योंकि इसको हम रोड पे भी चला सकते हैं, क्योंकि व्हील माउंटेड मशीन है। जैसे कि अपनी एक्सकेवेटर होती है, एक्सकेवेटर की RC नहीं बनती, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि वो ट्रैक माउंटेड मशीन है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे खड़ी है हुंडई की एक्सकेवेटर, एक ट्रैक माउंटेड मशीन है, जिसको हम रोड पे चला नहीं सकते, इसकी परमिशन नहीं है, रोड को उखाड़ देती है। इसलिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इसकी RC वगैरह नहीं बनती, ये सिर्फ ट्रेलर पे आती जाती है। और ये देखिए, ये जो है इसको हम बूम भी बोल देते हैं, इस पर लिगोंग की ब्रांडिंग है। और ये आगे हमारा जेड लिंक बार, और ये आगे हमारी टिल्ट सिलेंडर, ये बकेट सिलेंडर। और इसके साथ इसका जो स्टेयरिंग सिस्टम है वो आर्टिकुलेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं। ये हमारी आगे सेंटर पिन, एक ये ऊपर और एक ये लोअर सेंटर पिन, जिनसे कि स्टेयरिंग सिस्टम इसका आर्टिकुलेशन में काम करता है। और जैसे कि 4x4 है मैक्स, मींस हर एक लोडर, सारे ही लोडर 4x4 होते हैं। आप देख सकते हैं प्रोपेलर शाफ्ट आगे वाले व्हील को ड्राइव देने के लिए इधर, और एक प्रोपेलर शाफ्ट पीछे। और अगर सेफ्टी और ब्रेक्स की बात की जाए, तो हमारे इस लोडर में 2 टाइप्स की ब्रेक आती हैं। एक आती है हमारी ये डिस्क ब्रेक, जैसे देख सकते हैं डबल कैलिपर लगे हुए हैं, में ये डिस्क ब्रेक्स हैं। ये लिगोंग एक्सल में आती है, और एक ZF एक्सल आता है ज़ीरो फॉल्ट, जिसका कंपनी का नाम ज़ीरो फॉल्ट है। एक उसका एक्सल आता है, और उसमें जो ब्रेक आती हैं वो आपकी वेट टाइप डिस्क ब्रेक आती हैं। टायर इसके ट्यूबलेस हैं, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 300 लीटर, इंजन ऑयल 26 लीटर, कूलिंग सिस्टम में 52 लीटर, और हाइड्रोलिक सिस्टम में 236 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल। तो चलिए ज़रा इसके कैबिन में चलते हैं, ऑपरेटर्स कैबिन में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑपरेटर कैबिन में हूँ। रियर व्यू मिरर, स्पीकर, हमारा लिगोंग का MP3 सिस्टम, इसकी रेस सेलेक्ट करने के लिए रेस मोड, और AC पैनल, और आ गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LCD, इग्निशन की स्विच, इसके आ गया इसका टिल्ट स्टीयरिंग टाइप मैकेनिज्म, लीवर दबा के
देखते हैं आप रियर व्यू कैमरा से व्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एसी वेंट्स, हेडलाइट स्विचेस, ब्रेक पेडल और यह आ गया इसका गियर सिलेक्टर। गियर सिलेक्टर में आप देख सकते हैं फोर गियर फॉरवर्ड और फोर गियर रिवर्स। इस साइड आपके हेडलाइट इंडिकेटर और वाइपर के कंट्रोल्स हैं और इसका पायलट लीवर जैसे अभी ऑपरेशन करके दिखाता हूँ पायलट लीवर से। पायलट लीवर या हाइड्रोलिक के लिए ऑपरेटेड है सब कुछ। और अगर पायलट लीवर के ऑपरेशन बताऊँ मैं आपको, पायलट लीवर के ऑपरेशन ऐसे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में बकेट इन, लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे तो बकेट इन हो जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो बूम अप हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो बूम डाउन और राइट डायरेक्शन में तो बकेट ओपन। ठीक है, और ये एकदम ये मतलब प्रीमियम मशीनों में से एक है तो इसलिए इसमें बहुत से फीचर हैं, एकदम लग्जरी मशीन टाइप है ये। और जैसे देखते हैं आर्म रेस्ट हैं इसमें और एसी के वेंट्स हैं, तीन चार वेंट्स आगे हैं और ये वेंट एक पीछे और दूसरी साइड भी, और इस साइड इसका फ्यूज बॉक्स, इसकी हैंड ब्रेक इसकी, फायर एक्सटिंग्विशर और सीट भी इसकी एडजस्टेबल है जैसे कि मैं भी दिखाता हूँ आपको। पैडल और इसकी सीट है, सीट अच्छी यहाँ से इसकी बैकवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं इसको। तो ये है हमारा 856H का कैबिन और जैसे कि ये ट्रांसमिशन इसका सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मींस यहाँ से हमें मैनुअली गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं जबकि ये गियर सिलेक्टर है तो यहाँ से हमें गियर चेंज करने के लिए यहाँ से खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से ट्रांसमिशन से नीचे से हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है वो, तो हाइड्रोलिकली गियर चेंज रहेंगे वहाँ से। और इसमें ट्रांसमिशन आता है ZF कंपनी का जिसमें जो कंट्रोल वाल्व है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली सोलेनॉइड ऑपरेटेड है वो कंट्रोल वाल्व। और इसमें ब्रेक, सर्विस ब्रेक, एक्सीलेटर, ये पार्किंग ब्रेक। तो आई होप आपको मशीन का ओवरव्यू अच्छा लगा, मशीन अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मशीन कैसी लगी और इसके साथ ही मैं इसकी और डिटेल में और वीडियोस भी अपलोड करूँगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई